हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें पूरी दुनिया जाने, पर असल में उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक इंसान है सुदर्शन पटनायक, जो कि वर्ल्ड फेमस सैंड आर्टिस्ट है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। सुदर्शन का उड़ीसा में जन्म हुआ। बचपन में ही पिता ने गरीबी के कारण परिवार को छोड़ दिया। परिवार में तीन भाई, एक माँ और एक दादी थी। बूढ़ी दादी को महीने के 200 रुपये पेंशन मिलती थी, जिनसे पूरे परिवार का पेट पालना था। सुदर्शन ने 6th क्लास में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। 10 साल की उम्र में एक बंगाली परिवार के घर में नौकर के रूप में नौकरी करने लगा। पर बचपन से ही सुदर्शन का आर्ट और कला में इंटरेस्ट था, पर कुछ कारणों की वजह से वो कलर्स और पेंसिल्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उसने पूरी बीच की मिट्टी को ही अपना कैनवस और हाथों को पेंसिल बना लिया। हर रोज रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक सुदर्शन बीच पर आता और अपने शौक को पूरा करता। उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वो डरता था कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और इस बात पर हंसेंगे। पर जब शाम को आए लोग उसकी आर्ट को देख कर रिएक्ट करते थे और उसकी तारीफ करते थे, तो इस बात से सुदर्शन काफ़ी मोटिवेट होता था। सुदर्शन को ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि जिस काम पे वो पूरे दिन मेहनत करता था उसके लिए उसकी कोई तारीफ नहीं करता था, पर जिस काम पे वो सिर्फ रात के 3 घंटे देता था उसके लिए सब उसके काम के दीवाने थे। 18 साल की उम्र में सुदर्शन ने एक पान की दुकान भी खोल ली ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके और साइड में अपनी कला को भी फॉलो कर सके। जैसे जैसे उसका नाम और काम दोनों लोकप्रिय होते गए, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुदर्शन को जानने लगे। लंदन से सुदर्शन के लिए इन्विटेशन आया कि वो वहाँ आकर सबको अपनी कला दिखाए और औरों को भी इस कला के लिए मोटिवेट करे। सुदर्शन को वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहद ख़राब थी, पर बाद में रीअप्लाई करने के बाद उसे वीज़ा मिल गया। एयरपोर्ट की तरफ जाते समय सुदर्शन से सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा चुरा लिए गए। इसके बाद वो बेहद दुखी हो गया, पर हिम्मत नहीं हारी और फिर से वीज़ा के लिए अप्लाई किया और फिर लंदन गया। ये थी एक महान भारतीय कलाकार की शुरुआत। आज उसके नाम 27 प्रतियोगिताओं में जीते गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से एक गोल्ड सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर कंपटीशन का भी है। उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए और भारत का नाम रोशन किया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे देश भारत में ऐसे और भी कई भारतीय हैं जिनके लिए गरीबी जैसी चुनौतियां बस एक शब्द हैं, और वो अपने देश का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जय हिंद।